It sound right, boy. And main मतलब सीधा इसके लिए ये देखो यहाँ तो बूथ भी नहीं है, टोटली ऑटोमेटेड है। पैर में अकड़ावा आया, अंगड़ा ही अकड़ावा उसको आया। लाइट और कार जो परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई, दिल खुश हो गया। चलो सामान भी हो गया पैक, वॉचमैन अंकल ने अपनी मदद की है, धन्यवाद। हाय बाबू। 10:36 हो रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग निकले नहीं है। निकलने का प्लान सुबह 6 का था एंड मेन मतलब मुझे इस बार पुणे वाले रूट से जाना था। उसके पीछे का रीजन ऐसा है कि पुणे के रूट पे सीएनजी अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली नासिक वाले रूट से। ये देखो ये जो है ये समृद्धि का रूट बता रहा है जो कि 661 किलोमीटर एंड 10:54 और ये है पुणे वाला रूट मतलब शिकरापुर जालना वो वाला, तो वो 714 किलोमीटर 13:24 बता रहा है। वो भी फ्लक्चुएट होगा, आराम से पहुंचना है वैसे। और समृद्धि पे एक बार कनेक्ट हो गए तो ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, इसके लिए फिर मोस्टली मैं समृद्धि पकड़ूंगा डायरेक्टली। एंड और एक चीज बताता हूँ कि पुणे वाले रूट पे भी गारंटी नहीं रहती है बहुत बार, क्योंकि जब समृद्धि नहीं बना था तो हम लोग यूजुअली पुणे वाले रूट से ही जाते थे और वहाँ पे सीएनजी पंप रह के भी सीएनजी अवेलेबल नहीं रहता था ऑफलाइन होने के कारण। अभी मालूम नहीं बहुत से जगह ऑनलाइन किया रहेगा बट स्टिल वहाँ पे भी इतनी गारंटी नहीं रहती है, लेकिन सीएनजी पंप्स उधर है तो एक तसल्ली रहती है कि सीएनजी मिल सकेगा। और 10:30 मतलब अराउंड 11 भी हम लोग निकलते हैं, 20 है और बाकी, तो रात के 11 तक मैं अचलपुर परतवाड़ा में पहुँच सकता हूँ, नहीं तो फिर भाई देखते हैं। अभी तो अभी इसको बाय बोलने का समय आ गया है, थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है इस पर राइड करने के लिए, तो तेरी भी बारी आएगी बेटा थोड़े दिनों बाद, तब तक आराम कर। और इसी के साथ 12 हम लोग हमारी जर्नी शुरू कर रहे हैं। फाइनली कनेक्टिंग टू नासिक हाईवे, अभी लेफ्ट साइड में जाने का। यहाँ पे रास्तों का काम काफी चल रहा है, इसके लिए ये ट्रैफिक है। ये है एचपी का पेट्रोल पंप, जैसे ही आप वासिन क्रॉस करोगे ये पहला पेट्रोल पंप आपको दिखेगा एचपी का। यहाँ पे अभी सीएनजी भरने के लिए रुका हो, सीएनजी यहाँ पे 76.50 है। कल से सीएनजी के रेट्स भी बढ़ गए, मतलब 77 हो गए बहुत से जगह पे। वासिन में टोटल 2 सीएनजी पंप मिलेंगे, एक जहाँ पे मैंने अभी भराया और उसके थोड़ा एग्जैक्ट अपोजिट में भी एक है, एचपी का ही है वो भी, तो जहाँ पे अवेलेबल मिला वहाँ पे भर लो, क्योंकि आगे चल के इगतपुरी तक कोई सीएनजी नहीं मिलेगा आपको। जहाँ से हमको समृद्धि के लिए टर्न लेना रहता है उसके आगे जाके आपको यू टर्न लेना पड़ता है और वो साइड में मतलब राइट साइड में पड़ेगा आपको एमआरआरटी पेट्रोल पंप, जो अभी पड़गा के आगे एक बार टोल आपने क्रॉस कर लिया ना तो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। एंड मेन मतलब टारमैक रोड है, मेरे फेवरेट है टारमैक रोड, मतलब स्मूथ चलती है बाइक भी। बाइक तो मतलब ये रास्ते से जब मैं गाँव गया था ना, सुबह सुबह का वक्त था और कितना आई गेस 4 में मैं धुले पहुंचा था, अराउंड 350-400 किलोमीटर, तो समझ लो कि क्या रास्ते रहेंगे उस टाइम पे। ट्रैफिक तो नहीं था, सुबह का टाइम था इसके लिए। तो ये है एमआरआरटी पेट्रोल पंप, यहाँ पे भी सीएनजी अवेलेबल नहीं है, लास्ट टाइम भी सीएनजी अवेलेबल नहीं था, सो ये एक रिस्क है। यहाँ पे ये लास्ट सीएनजी पंप है अगर आपको समृद्धि पे कनेक्ट होना है तो, क्योंकि इसके आगे फिर समृद्धि पे है या नहीं मालूम नहीं अभी तक, ऑलमोस्ट 1.5 के बाद जा रहा हूँ इसके लिए, मुझे भी आइडिया नहीं है बट आज मालूम पड़ेगा। ट्रैवलर हो तो एक चीज़ आपने नोटिस की रहेगी या एक्सपीरियंस की रहेगी कि जब भी आप ट्रैवल पे या ट्रिप पे निकलते हो ना तो पहले रात नींद ही नहीं आती है। सेम मेरे साथ होता है हमेशा कि नेक्स्ट डे क्या बोलना है, कहाँ पे जाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सा रूट लेना है, ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। बट स्टिल आज फ्रेश हूँ मैं थोड़ा। जब भी आप रुकते हो ना तो सब चेक कर लिया करो कि अपना सामान रस्सी वगैरह सब अच्छा है कि नहीं, क्योंकि बोल नहीं सकते, अगर लूज़ हो गया रहेगा तो उसे टाइट कर लो। पेट्रोल फुल कर लिया, 2 है सीएनजी के, तो कोई टेंशन नहीं है इतना, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तो जानी चाहिए, अगर गई तो वेल एंड गुड, और अगर सीएनजी समृद्धि पे मिल गया तो उससे भी ज़्यादा, सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर। चलो
महामार्ग पे जो महाराष्ट्र का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है इगतपुरी टू कसारा, विच इज ऑलमोस्ट 8.2 किलोमीटर का, और टनल का काम हो गया है लेकिन उसके आगे जो पैच बाकी है उसकी वजह से टनल मतलब कसारा तक हम लोग जा नहीं सकते। तो अभी हम लोग ने इगतपुरी से ज्वाइन किया है, अगली बार जब भी आएंगे या जाएंगे तो सीधा ऑलमोस्ट थाने के पास ही हम लोग बाहर निकले। It sound right, boy. ऑलमोस्ट अभी 40 किलोमीटर के बाद ये पहला वाला पेट्रोल पंप है जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक भी चार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेस्ट रूम भी है, पेट्रोल डीजल वही अवेलेबल है, सीएनजी अवेलेबल नहीं है समृद्धि। मुझे नींद नहीं आ रही है लेकिन चेहरे पे धूल मिट्टी, और एक बात बोलता हूँ कि इतना मज़ा आ रहा है ना भाई गाड़ी चलाने में। 120 की स्पीड लिमिट है, एकदम अच्छे से क्रूज कर रहे हैं। अभी सनसेट हुआ इसके लिए मैं रुका था, एंड यहाँ का व्यू देखो मस्त हरा भरा है, एंड मेन मतलब ठंडा है, और नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं। कुछ तो यहाँ पे फड़फड़ा रहा है लेकिन क्या फड़फड़ रहा है क्या मालूम, ये सब टाइट है बराबर है, आवाज आता है ना तो इरिटेट होने लगता है फिर टाइम के बाद, बट ठीक है ऑल गुड। ये सब चेक करना जरूरी है जब भी ब्रेक लेते हो तो। चलो देखो अभी लाइट का कमाल, एक पर अपा। सो लेफ्ट साइड में है जालना का एग्जिट। ऐसा प्लान किया था कि पुणे रूट से आएंगे और जालना से मतलब अभी यहाँ से एंट्री करेंगे, मतलब सीएनजी पूरे ऑन द वे हमको जालना तक मिल जाता था, लेकिन टाइम को देखते हुए हम लोग पहले ही समृद्धि पे आ गए। ऐसा लग रहा है अभी अच्छा भी किया, हम लोग एसी तो यूज़ नहीं कर रहे इसके लिए फिर हमें माइलेज अच्छा मिल रहा है। सीएनजी इस बार ज़्यादा देर तक या ज़्यादा किलोमीटर तक यूज़ किया हमने, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी और 4-4.25 घंटे बता रहा है परतवाड़ा तक जाने के लिए। ऑल दो रूट्स है, हम लोग इवन जालना से भी एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि जालना से जो रोड है ना अंदर का हाईवे वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कंक्रीट का ही है पूरा। ओके, एक लास्ट ब्रेक अभी लेना है। समृद्धि पे मैं जब पहली बार आया था ना मुझे कैमरा दिखाई नहीं था, तो अगली बार जब मैं आया था तब नोटिस किया कि स्पीड लिमिट जो है ना उसके नीचे एकदम छोटा सा काला डॉट दिखता है वो कैमरा है। अभी बैठ बैठ के कमर मेरी अकड़ गई है, कमर से ज़्यादा पैर अकड़ गए, मतलब बाइक में कितना भी चलाओ ना बहुत टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन जब भी मैं कार चलाता हूँ ना तो कार में पैर अकड़ जाते हैं, एक स्टिल पोजिशन पर रहते हैं ना इसलिए। हाय 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 फ्रेश। ठंडी में गरम गरम आइटम अगर आप खाते हो या पीते हो ना जैसे जैसे अंदर जाता है ना पूरा फील होता है। एक टाइम पे ETA को मैंने लाया था 11:30 तक और अभी बता रहा है 12:04, अभी 8:13 हो रहा है। यही होता है रुकने का डिसएडवांटेज, लेकिन रुकना भी ज़रूरी था मुझे आज। अपनी कार एकदम मस्त परफॉर्म कर रही है, वेल डन बॉय, वेल डन बॉय गर्ल जो भी है भाई। और ये व्लॉगिंग का एक कैमरा GoPro। सो ये अभी वाशिम का एग्जिट है वाशिम, और ये साइड में अभी अकोला और परतवाड़ा, और ये रूट से मैं पहली बार जा रहा हूँ। ऑल दो कन्फर्मेशन किया है रूट कैसा है तो रूट अच्छा है, अमरावती से जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अमरावती 20 किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहा है मैप में, इसके लिए फिर मैप ने भी यही रूट सजेस्ट किया था 20 किलोमीटर कम करके मैं 105 रुपये बचा रहा हूँ पेट्रोल के। बट कोई नहीं, ये भी नया रूट एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये पैसा वसूल रोड है और यहाँ पे अगर टोल भी दे रहे हैं ना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि टारमैक का एकदम स्मूथ, और ये जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ना रास्तों पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है रात के टाइम पे। तो 100 रुपये है शायद से कार का, 100 रुपये गया तो चलता है लेकिन ट्रिप एकदम स्मूथ होनी चाहिए। ये देखो यहाँ तो बूथ भी नहीं है, ऑटोमेटेड, टोटली ऑटोमेटेड है, क्या बात है। चलो तो भाई पहुँच गए अकोला में, और अराउंड 30 मिनट में हम लोग ने 50 किलोमीटर किया, तो रास्ते कैसे रहेंगे सोच लो। अभी जिस रोड से आए हम एक भी गड्ढा नहीं और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं,
लाइट और कार जो परफॉर्म कर रहे हैं ना भाई, दिल खुश हो गया। मतलब पिछले वाला जो लाइट था ना, उसका इशू ऐसा था कि अपर दो फिर भी आगे वाले के आँख में भी नहीं जाता था और रास्ते में भी नहीं रहता था। ये आगे वाले के आँख में भी जा रहा है जब जरूरत है तब। अभी यहाँ से और 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है अचलपुर पहुँचने के लिए। मतलब जो मैंने ETA तोड़ा था बीच में, जो 12 के पार लेके गया था, उसको मैंने फिर से खींचा है। एक बॉडी स्ट्रेच के लिए ब्रेक लिया है। बिल्कुल भी थकावट नहीं है, सिर्फ बैठ बैठ के क्या थोड़ा सा पैर में अकड़ावा आया, अंगड़ाई अकड़ावा उसको आया। भैया जी 11:48, उल्टा सीधा 11:48 हो रहा है और फाइनली हमने मैप को भी हरा दिया। ऑल्दो मेरा टारगेट मैप को हराना या फिर मैप के पहले पहुंचना ऐसा नहीं था, लेकिन रास्ते अच्छे मिल गए, काफ़ी अच्छे रास्ते। और मैं तो बोलूँगा कि भाई जो मुंबई में कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो उन्होंने यहाँ के रास्ते देखने चाहिए एक बार, मतलब चुम्मा। बस अभी सब सामान घर में शिफ्ट करना है। वैसे तो अभी भी नींद नहीं आ रही है मुझे, अभी भी अगर मुझे कोई बोलेगा कि इधर जाना है उधर जाना है, मैं निकल जाऊँगा। फ्रेश हुआ आज। नेक्स्ट वीडियो मोस्टली अभी शेगांव का रहने वाला है शायद, तो शेगांव दर्शन भी आपको करा देता हूँ अभी इस ट्रिप में। उसके बाद कहाँ पे जा रहा हूँ ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, आने वाले वीडियोज़ में समझ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।